उत्तर प्रदेश सरकार ने नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार ने खत्म कर दिया। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस नीति के आधार पर ही मदरसा प्रबंधक अनुदान प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जाते थे। दरअसल वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अखिलेश सरकार में अनुदान दिया गया। योगी सरकार 1.0 में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया। आलिया स्थर के मऊ के एक मदरसे के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के अनुदान देने पर विचार करने के लिए कहा था। सरकार ने जब इस मदरसे के मानकों की जांच कराई तो इसकी मान्यता ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकल गई। वहीं न्यायालय ने एक मामले में सरकार से गोरखपुर बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के ठेकेदार को राहत भरी बात बताई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माणकर्ता ठेकेदार की राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी, क्योंकि कोरोना काल में आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए उनके अनुबंध में किया गया शिथिलीकरण अब 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात इस अवधि तक उन्हें एक एक किलोमीटर का निर्माण हो जाने के बाद भुगतान मिल जाएगा। कोरोना से पहले हर 3 किलोमीटर के बाद भुगतान की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA द्वारा निर्माणकर्ताओं के साथ हुए अनुबंध का शिथिलीकरण 31 मार्च 2022 तक के लिए किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।